इस मासूम से चेहरे को देखकर इसकी पहली फिल्म के बाद मुझे लगा था कि ये कुछ कमाल करेगी, लेकिन ये तो दिवाली की बॉम्ब की तरह फुस हो गई यार। बॉलीवुड में हर दिन थोक के भाव में हीरोइन आती हैं यार, और ऐसे में अपनी जगह बना पाना और टिके रहना बहुत मुश्किल काम है। इन दीदी को पूरे 5 मौके मिले थे अपनी जगह बॉलीवुड में बनाने के और हिट होने के, लेकिन इन दीदी से कुछ हुआ ही नहीं यार। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी चार्ट का। अब तक आप समझ चुके हो कि दिशा पाटनी के बारे में बात हो रही है। यार जब इनकी पहली फिल्म MS धोनी आई थी, तब सबको लगा था कि भाई बॉलीवुड को नेक्स्ट सुपरस्टार मिल गई है, ये कुछ बढ़िया कमाल करके दिखाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि MS धोनी के बाद इन्हें फिल्में ऑफर नहीं की गई, एक के बाद एक मूवी इन्हें ऑफर की गई है। आपको बता दूं कि इनका करियर क्यों खत्म होते नजर आ रहा है, क्यों इनसे फिल्में वापस ले ली जा रही हैं, वो सब आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फिल्मी चार्ट गर्ल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो यार, MS धोनी के बाद दीदी आ गई थी फुल लाइमलाइट में, लेकिन उसके बाद दीदी का ध्यान काम में कम और प्रेम प्रसंग में ज्यादा था। और प्रेम प्रसंग के लिए इन्होंने किसे चुना, जरा दिमाग पर जोर डालिए। अरे यार, टाइगर श्रॉफ को। जिस बंदे को खुद एक्टिंग ना आती हो, वो दूसरे की भी एक्टिंग खराब करवा सकता है, ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ है। जैसी संगत होती है वैसे ही आप होते चले जाते हो, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। तो इनकी संगति जरा थोड़ी खराब थी, इसीलिए इनका करियर ग्राफ बहुत डाउन जाता चला गया। MS धोनी के बाद दिशा पटानी को करीबन 5 बड़ी फिल्में ऑफर की गई जिसमें उन्होंने काम किया है, भारत, बागी 2, मंगल, राधे, एक विलन रिटर्न। देखो, इन सारी फिल्मों की हर छोटी से छोटी चीज के बारे में बात की गई, जिसके बारे में बात नहीं हुई वो है दिशा पाटनी। मतलब कोई इनके बारे में बात ही नहीं कर रहा था, सिर्फ इनके प्रेम प्रसंग सुर्खियां बटोर रहे थे। खैर, दीदी को ये बात समझ में आई, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा संभलते संभलते गिरते गिरते दीदी के हाथ 3 बड़ी फिल्में लगी। पहली है करण जौहर की योद्धा फिल्म। देखो यार, इस फिल्म में इनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आने वाले हैं और इस मूवी की बहुत अच्छी खासी हाइप बनी हुई है। लेकिन गड़बड़ मुझे ये नजर आती है कि इस फिल्म की 4 से 5 बार डेट चेंज हो चुकी है, और जिस हिसाब से इस मूवी का काम चल रहा है और डेट चेंज की जा रही है, उससे मुझे लगता है कि ये 2024 तक तो कहीं नहीं गई, अगले साल ये फिल्म आपको देखने को मिल सकती है। और दूसरी जो फिल्म इनके खाते में आई थी वो है नाग अश्विन की कल की 2898 AD। वैसे तो इस फिल्म में प्रभास और दीपिका स्टार हैं, अमिताभ बच्चन साहब भी हैं, लेकिन इस चीज पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल तरीके का कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि इसमें दिशा पाटनी क्या रोल करने वाली है। वैसे दीदी को लगा होगा कि बड़े बड़े स्टार हैं, उनके साथ काम करूंगी तो मेरा नाम भी हो जाएगा, लेकिन ये फिल्म भी मुझे लगता है कि इनके हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। और तीसरी फिल्म जिससे इनको सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, इन्हें लगा था कि अगर मैं ये फिल्म कर लूंगी तो मैं बॉलीवुड को तोड़ दूंगी, मैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन बन जाऊंगी, वो है ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म कर्ण। वैसे तो महाभारत के ऊपर ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी मूवीज हैं जो बन चुकी हैं, हम देख चुके हैं, लेकिन इस फिल्म से सभी लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, पूरे बॉलीवुड की इस फिल्म पर निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन इस फिल्म से दीदी का पत्ता अब साफ हो चुका है। हमारे ओम प्रकाश मेहरा ये कह रहे हैं, उड़ती उड़ती खबर आई है ताऊजी लेके आए हैं, कह रहे हैं कि कोई ऐसी हीरोइन चाहिए जो साउथ की हो और उसका हिंदी बेल्ट में भी अच्छा खासा नाम हो। अब दिमाग पर जोर डालो, ऐसा कौन है? अरे यार, जवान की हीरोइन नयनतारा, उनके नाम पर फुल ऑन चर्चा की जा रही है, और यहां से दीदी का पत्ता पूरे तरीके से साफ कर दिया गया है। अब दिशा दीदी, ये मत कहना कि आपको अच्छी फिल्में नहीं मिली, एक से बढ़कर एक अच्छी फिल्म बनी है, बस आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाई। ऐसा मैं नहीं, जनता भी शायद सोचती होगी। क्या सोचती है जनता, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं दिशा पाटनी की एक्टिंग के बारे में, और क्या बॉलीवुड की वो एक उभरता सितारा बन सकती है या फिर नहीं, कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिल्मी चार्ट गर्ल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।